जन सुराज के पहले जिला अध्यक्ष इंतखाब साहब इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, क्या कहेंगे? जिला अध्यक्ष के तौर पर कैसा लग रहा है आपको? जाहिर सी बात है, जिला तो एक जिम्मेदारी है कि सही लोग सही सोच के लोगों को निकालना, सामूहिक प्रयास करके बिहार में सत्ता को परिवर्तन करना। जब सत्ता परिवर्तन होगा निश्चित तौर पर व्यवस्था परिवर्तन होगा। मैं कह रहा हूं आपको कि 2025 जन सुराज का है, व्यवस्था बदल कर सत्ता पर कब्जा करेगा। सर, लोग माइंड में असमंजस बना हुआ है जनता के बीच कि आखिर जन सुराज चाहती क्या है, आगे करना क्या जाता है, जन सुराज का विचारधारा क्या है, क्या पार्टी बनाएगी, इन सब चीजों को लेकर जनता के बीच में असमंजस बना हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई है। तीन जो हमारे नारे हैं उसे समझ जाइए, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। बी ए बी कॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। जिला मुख्यालय के हरदिया मोड़ छपरा रोड स्थित फातिमा कॉम्प्लेक्स में रविवार को जन सुराज के जिला कार्यालय का उद्घाटन विधान पार्षद सच्चिदानंद राय और अफाक अहमद ने फीता काट कर किया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर विधिवत गांधी जी के भजन एवं सर्वधर्म प्रार्थना के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति विद्या विनोद ने किया। कार्यवाहक समिति के जिला अध्यक्ष इंतखाब अहमद ने जन सुराज को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा को जिला प्रवक्ता कृष्ण कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापन जिला संगठन महासचिव राजीव रंजन पांडे तथा संचालन कार्यालय प्रभारी विनोद श्रीवास्तव ने किया। जन सुराज के पहले जिला अध्यक्ष इंतखाब साहब इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, क्या कहेंगे? जिला अध्यक्ष के तौर पर कैसा लग रहा है आपको? जाहिर सी बात है, जिला तो एक जिम्मेदारी है कि सही लोग सही सोच के लोगों को निकालना, सामूहिक प्रयास करके बिहार में सत्ता को परिवर्तन करना। जब सत्ता परिवर्तन होगा निश्चित तौर पर व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये एक जिम्मेदारी है, ये कोई पद नहीं मिला है, ये गिफ्ट नहीं है, ये कांटों का ताज है। इस जिम्मेदारी को इंशाल्लाह बहुत बढ़िया से बखूबी निभाएंगे। जो बढ़िया सही सोच सही लोग होंगे उनको बाहर निकाला जाएगा, उनको राजनीति में मौका दिलाएगा। उत्साहित की बात ही नहीं, इसमें जिम्मेदारी है, इसको निर्वहन करना है, हम निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। आपका भी कोई सपना है चुनाव लड़ने का? राज जितने कार्यकर्ता हैं पॉलिटिकल पार्टी के, सबका सपना होता है। जाहिर सी बात है, उन्हीं में से छान कर जो जिस लायक होगा, हमारे संरक्षक प्रशांत किशोर जी के निर्देशन में जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को उन्हीं को लाया जाएगा। यही बनो चेहरा भाई, हम पार्षद रहे हैं यहाँ पर, अध्यक्ष चुनाव लड़े हैं, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। हमें तो ऐसे लोगों की खोज करना है अभी जो इस लायक हो लड़ने के लिए, जो विधानसभा लड़ने लायक हो, जो पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको खोजना है हमको, उनको लाना है। जो जिला परिषद बनने वाले हों, जो विधायक बनने वाले हों, जो पार्षद बनने वाले हों, उनको खोजना है, उनको सर्च कर रहे हैं हम लोग। कैसे लोग लाएं, उनको प्लेटफॉर्म दें, आके नेतृत्व करें, हम लोग उनको नेतृत्व कराना है। माई समीकरण का बड़ा रोल रहा है सिवान में प्रत्येक चुनाव में, इस बार क्या जन सुराज ने आपका पार्टी अध्यक्ष बना के ध्रुव का पत्ता खेला है इस तरह की? माई समीकरण ध्वस्त है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि माई समीकरण है कहाँ। ये कोई समीकरण की पार्टी नहीं है, यह सही लोग और सही सोच की पार्टी है। हर जाति धर्म के लोग जो सही सोच वाले हैं, जो विकास बिहार और परिवर्तन चाहते हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, वो लोगों की पार्टी है ये। और निश्चित तौर पर आप देखे होंगे 77 का आंदोलन हो चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, जात पात धर्म से हटकर एक ये समझ लीजिए आप, ये 77 की लहर है ये। निश्चित तौर पर ये लहर जो है ये परिवर्तन आएगा, इस बिहार में परिवर्तन आएगा, सत्ता परिवर्तन होगा, अच्छे लोग सत्ता में आएंगे और निश्चित तौर पर व्यवस्था भी परिवर्तन होगा, अच्छे लोगों की भागीदारी होगी, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार निश्चित मिलेगा इस गवर्नमेंट से। नगर परिषद में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरे सिवान में पूरे बिहार में जाते हैं ना सर, एक बात बताइए, क्या आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस पार्टी का भी सोच है, हर आदमी को लड़ना चाहिए, जहाँ गलत हो उसका विरोध करना चाहिए। जब ये करते ही हैं तो जब तक जिंदा रहें तब तक करेंगे,
आज जो लोग जनसुराज से जुड़े हैं, जिनका विचारधारा है, निश्चित तौर पर वो लोग भी वही भ्रष्टाचार का गलत का विरोध करते रहेंगे। बहुत सारे लोग माइंड में असमंजस बना हुआ है जनता के बीच, आखिर जनसुराज चाहती क्या है, आगे करना क्या जाता है, जनसुराज का विचारधारा क्या है, क्या पार्टी बनाएगी, इन सब चीजों को लेकर जनता के बीच असमंजस बना हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी बहुत सारी बात हुई है। तीन जो हमारे नारे हैं उसे समझ जाइएगा, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, इतने कम शब्दों में अपनी बात को नहीं बताया जा सकता है। बिहार के सही लोगों का प्लेटफॉर्म है, सही सोच वाले लोगों का प्लेटफॉर्म है, और यही सही लोग, सही सोच वाले लोग सामूहिक प्रयास से, सामूहिक प्रयास से बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। आज मंच पर जो भी लोग देख रहे हैं, ये कोई एस्टेब्लिश राजनीतिक नेता नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं कि वैसे लोग नहीं आ रहे हैं, वैसे लोग भी संपर्क में हैं, लेकिन हम उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें एक एक सही व्यक्ति, बिहार का एक सही व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको हम प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अब कुछ लोग नहीं आए तो अलग बात है, लेकिन तो प्रयास होते रहेगा कि सारे सही लोग, जैसे माला में सब फूल गूंथ दिया जाता है ना, वैसे जनसुराज वो माला होगा जिसमें बिहार के सारे लोग जो है गूंथ दिए जाएंगे। कुछ लोगों का कहना ये है सर कि जैसे कि बीजेपी से मिली हुई ये पार्टी है, बीजेपी के लिए काम कर रही है। देखिए, हम तो ये भी सुने हैं कि हम बीजेपी के लिए हम काम कर रहे हैं, हम ये भी सुने कि महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए काम करके महागठबंधन साफ कर देंगे और महागठबंधन के लिए काम करके बीजेपी को साफ कर देंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ है? जिसको जो समझ में आता है वो समझिए, हम तो दोनों को साफ करने आए हैं। निश्चित रूप से जब एक को साफ करेंगे तो दूसरे की मदद करेंगे, पहले को साफ करेंगे तो उसका मदद करेंगे, लेकिन दोनों को साफ करने वाले। एक सवाल ये है कि आखिर ये प्रयास आपका कब तक चलेगा, लोग कब तक आपका इंतजार करें कि आप अस्तित्व में आ चुके हैं? अस्तित्व में तो है, हम लोग आप कराले को उद्घाटन देख रहे हैं, आप एक सिंबल देना चाहते हैं तो चुनाव आने के सिंबल ही बता देंगे। अभी तो लोगों के बीच जाकर अपनी बात कही रखी जा रही है, अभी तो अलग जगह आ जा रहा है, अभी तो इंतखाब भाई जैसे लोगों को जोड़ा जा रहा है, अफाक भाई जैसे लोगों को जिताने का काम हो रहा है, अभी तो हम लोगों के बीच जा रहे हैं। इंतखाब अहमद को छोड़ के आपको क्या लगता है कि जनसुराज ने बेहतर काम किया है एक बेहतर इंसान को छोड़ कर? बेहतर नहीं तो अध्यक्ष कैसे होते हैं यहाँ के, जब घर हम सही लोगों को खोज कर निकाल रहे हैं और उन्हीं के सामूहिक प्रयास से एक बदलाव की आगाज किए हैं, तो निश्चित रूप से जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे समझ जैसे जिस तरीके से भी हम चाल कर निकालते हैं, हमने जो चलने लिए रखा है उसमें सही लोग हैं तभी हमारे साथ बचे। मैं कह रहा हूं आपको कि 2025 जनसुराज का है, व्यवस्था बदल कर सत्ता पर कब्जा करेगा यह निश्चित है, और जनता का स्नेह और प्रेम ऐसा ही मिलता रहा तो 2025 अब न 90 को दोहराएगा न 2005 और 6 को दोहराएगा, एक नए बिहार के तरफ, नए बिहार के तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, यह बिहार का युवा, नया पीढ़ी, नई नस्ल तैयार होकर बैठा है और 74 और 77 का इतिहास को फिर लाकर खड़ा करेगा बिहार में, और सारा समीकरण धरा का धरा रह जाएगा, 20 से एक रास्ता होगा, जनसुराज 20 से होकर निकलेगा और बिहार में अपना झंडा को फहराएगा।